उद्योग प्रभारी सचिव चंद्रेश कुमार ने लिखा पत्र। हवाई सेवा पर कोरोना संक्रमण का बड़ा असर, यात्रियों की संख्या घटने से कई उड़ानें बंद, उत्तराखंड सरकार के लिए चिंता का विषय। उत्तराखंड में अगले तीन दिन मौसम सामान्य रहने के आसार, मौसम रहेंगे साफ, पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे कोरोना की मार, पहाड़ कितना तैयार और देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच हुआ 80,000 के पार। प्रदेश में कल 5,654 मरीज पाए गए कोरोना से संक्रमित। 197 मरीजों की कल कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। 19,00,000 से अधिक लोगों को लग चुकी है पहली वैक्सीन। 6,80,000 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 1,00,000 से अधिक 18+ आयु वर्ग के नागरिकों को लगी है वैक्सीन। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,654 नए मामले सामने आए। कोरोना की मार, पहाड़ कितना तैयार, पहाड़ पर आफत बनकर आया कोरोना। बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी, संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने कसी कमर। उत्तराखंड में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 80,000 के पार। प्रदेश में कल 5,654 मरीज पाए गए कोरोना से संक्रमित। 197 मरीजों की कल कोरोना से हो चुकी है मौत। प्रदेश में लगातार मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और संक्रमितों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 19,00,000 से अधिक लोगों को आपको बता दें कि पहली वैक्सीन लग चुकी है। 6,80,000 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। 1,00,000 से अधिक 18+ आयु वर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,654 नए मामले सामने आए हैं। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना की मार पड़ रही है, पहाड़ कितना तैयार है, हम इसी पर बात कर रहे हैं। पहाड़ पर आफत बनकर आया है कोरोना। एक तरफ जिस तरीके से पहाड़ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और तीसरा ब्लैक फंगस ने भी उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहाड़ पर लगातार खतरा मंडराया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है। और हम बात कर रहे हैं कोरोना की मार, पहाड़ कितना तैयार। जिस तरीके से कोरोना की मार पड़ रही है, हम बात कर रहे हैं पहाड़ कितना तैयार है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई समस्या उत्तराखंड वासियों को नहीं होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, इसीलिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल रावत जुड़े हुए हैं उत्तरकाशी से। अनिल रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना की मार पड़ रही है लगातार पहाड़ पर, पहाड़ कितना तैयार है। तो जिला प्रशासन बिल्कुल एक्टिव मूड में लगा हुआ है, जगह जगह जो है वैक्सीनेशन सेंटर जिला प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाया गया है। ये खुशी की बात ये भी है कि कल ही जिलाधिकारी उत्तरकाशी मयूर दीक्षित ने जो है 17 वैक्सीनेशनों का जो है अतिक्रमण बढ़ा दिया। जी अनिल, ये देखने को मिल रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो काफी तेजी से हो रहा है पहाड़ पर, लेकिन संक्रमितों की संख्या में भी कमी नहीं आ रही है। संक्रमित लगातार जो मरीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही साथ जो चिंता का विषय वो है वो ये कि मौतों का आंकड़ा भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। 197 लोगों की कल मौत हो गई। जैसे मैं बता दूं कि उत्तरकाशी में जो है आज तक जो वैक्सीनेशन का काम जो हुआ वो 83,646 लोगों का हुआ है और जिसमें जो है 46,962 लोगों का जो है पहली डोज जिन लोगों की लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है वैक्सीनेशन का काम भी बड़ा जोरों पे है। जी अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र जो है उन वो कितना जागरूक है वैक्सीनेशन को लेकर,
क्या वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए? जैसे मैं बता दूं, जहां रही पहाड़ों में गांव की बात जो है, लोग जो है कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो है जागरूक हैं, काफी जागरूक हैं, और अपना जो है तय समय पे जो है अपना जो है वैक्सीनेशन का भी लगा रहे हैं। जी, वैक्सीन को लेकर जागरूक है अनिल, और अगर बात करें हम कोरोना को लेकर कितना जागरूक है, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कितना जागरूक है, सोशल डिस्टेंसिंग को कितना समझते हैं, मास्क लगाना कितना जरूरी समझते हैं? मैं बता दूं कि रही वैक्सीनेशन को लेकर सोशल डिस्टेंस की बात करूं या फिर सैनिटाइज की बात करूं, कहीं ना कहीं जो है ना लोगों में जो है एकदम कहीं ना कहीं जागरूक भी है। शहरी क्षेत्र की बात करूं तो लोग जो है बिल्कुल इसका पूर्णतः नियमों का पालन कर रहे हैं। रही कहीं ना कहीं दूर दराज जो है ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोग सोशल डिस्टेंस की बात हो, मास्क की बात हो, सैनिटाइज का जो बात हो, इसका कोई खास ख्याल नहीं रख रहे। जी बिल्कुल अनिल, और हमारे साथ अशोक कुमार भी देहरादून से जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, देहरादून की बात अगर हम करें तो किस तरीके से तैयार है देहरादून की जनता भी, और अगर हम पूरे पहाड़ की बात करें तो पहाड़ कितना तैयार है कोरोना की मार से? जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर वैक्सीनेशन का काम जो है वो काफी तेजी से दिख रहा है कि यहाँ पर हो रहा है, और जनता काफी जागरूक भी नजर आ रही है, लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है और मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय जरूर है। अशोक, बिल्कुल यशी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग और सरकार प्रशासन की चिंताओं को लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिसको लेकर अभी भी सरकार को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। यहाँ हम जैसे आपने मेरे सवाल किया राजधानी की, तो हम राजधानी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। राजधानी ये लगातार जिस तरह से जब से दूसरी लहर आई है तो राजधानी देहरादून लगातार पहले पायदान पर बरकरार है। लगातार 1000 से 1500 मामले, यहाँ तक कि 2000-3000 ऐसा भी हुआ है कि जो मामले रोजाना एक दिन के आए हैं। लगातार देहरादून पहले पायदान पर बरकरार है। सबसे जो अब जो टॉप चार की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर, ये पहले चार जिले थे, लेकिन अब कुछ भी बीते 2-3 दिन से ये जो है जो जिले हैं सबसे पहले पायदान पर देहरादून है, तो अब दूसरे पायदान पर पौड़ी आ गया है, और वहीं तक तीसरे पे टीरी है। तो इन तीन जिले, इनके साथ साथ जो दो पर्वतीय जिले हैं, ये अब जो है संक्रमितों की चपेट में लगातार तेजी से आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो है पहाड़ पर अगर जिस तरह से फैल रहा है संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर सरकार को और ज्यादा अलर्ट मोड पर रहकर काम करने की जरूरत है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह आदेश जारी कर दिया है कि अगर पहाड़ पर किसी तरह की कोई भी कमी होती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, चाहे ऑक्सीजन की बात करी जाए, चाहे वैक्सीनेशन की बात करी जाए, तो उस पर ज्यादा अलर्ट मोड पर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह बात भी कही है कि अगर जिस तरह से आगामी 15 जून से लेकर 20 तारीख तक के लिए रस्ते कहीं ना कहीं दिक्कत आती है या कहीं ऑक्सीजन पहुंचाने में वहां पर कोई कमी आ रही है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर को रखा जाए ताकि जल्द से जल्द वहां ऑक्सीजन को मुहैया कराया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आ रही है जिस तरह से हमने बीच में देखा था काला बाजार ही आ रहा था, क्योंकि सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार हर बार ये बात कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, बावजूद इसके यहाँ हम धरातल की तस्वीरों की बात करते हैं तो धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं मरीजों को थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। हाल ही में जिस तरह से अभी 80 मेट्रिक टन प्रदेश को प्राप्त हुई है देहरादून हर्रा वाला स्थित पे, और शुक्रवार देर रात फिर 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं इससे ये भी दिखता है कि हाँ पर्याप्त मात्रा में तो उपलब्ध हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि फिर क्यों इन सब के बावजूद भी मरीजों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्यों वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है, क्योंकि ऐसे में अब ये बात सामने आ रही है क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के संज्ञान में ये बात आ चुकी है, और उन्होंने मुख्य सचिव और तमाम जिला अधिकारियों को ये निर्देश भी दे दिया है कि अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है, तो उसको लेकर कि कोई भी अगर अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर यशी मैं आपको वैक्सीनेशन की जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है, 19 लाख के आसपास जो लोग हैं वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवा चुके हैं, और 680,000
लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन की दूसरी डोज प्राप्त हो चुकी है। लेकिन यहाँ इन सबके बीच एक और सवाल यहाँ पर खड़ा हो चुका है कि जो केंद्र तकरीबन 90 केंद्र ऐसे हैं, कल शनिवार की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो शनिवार में 90 केंद्रों में से तकरीबन 70 केंद्र बंद पाए गए और कुछ केंद्रों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के चलते, लापरवाही के चलते वहां पर आनाकानी हुई। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन अगर सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो फिर वैक्सीनेशन जो बड़ी मात्रा में लगनी चाहिए वो बड़ी मात्रा में क्यों नहीं लग पा रही है। हालांकि खुद देहरादून जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने भी बात कही है कि राजधानी में भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, भारत सरकार द्वारा लगातार एलोकेट किया जा रहा है और समय समय पर वैक्सीन भी उपलब्ध हो रही है। लेकिन अब यहाँ ये सवाल ऊपर खड़ा हो चुका है कि अधिकारियों की आनाकानी जो है, अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसको लेकर तमाम जिले के मुख्य जिला अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है। जी यशी अशोक, ये सरकारी आंकड़े जो आपने अभी भी बताए कि सरकार की तरफ से जो बातें कही गई, उससे पहली बात तो ये कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है और तीरथ सिंह रावत ने खुद अपने बयान में बात कही थी कि जनता को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। क्या बड़ी वजह, क्या आपने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की कि आखिर जनता तक ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रही? दूसरी चीज, वैक्सीन की भी कमी नहीं है उत्तराखंड में, वैक्सीन के डोजेज जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, वैक्सीन और इसकी कमी नहीं है, ये बात भी खुद तीरथ सिंह रावत ने बयान में कही थी। अब बड़ी बात यह है कि लोगों को, आपने जैसे बताया कि 90 केंद्र थे जिसमें कि 70 बन पाए गए, ये जमीनी हकीकत की बात है। क्या आपने भी इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ये जो 70 वैक्सीनेशन केंद्र जो हैं वो क्यों बंद रहे और आखिर और जो लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहुंच रहे होंगे उनको कितनी परेशानी वहां पर जाकर उठानी पड़ेगी, क्योंकि लंबी लंबी लाइनों में पहले तो आप लगे और उसके बाद आप इंतजार करें और उसके बाद भी अगर आपको ये पता चले कि अब ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खुलने ही वाला नहीं है तो कहीं ना कहीं संक्रमण तो फैल ही रहा है, साथ ही साथ लोगों में भी जो वैक्सीनेशन को लेकर एक विश्वास है उसमें भी कमी आती है। फिर बिल्कुल, यहाँ हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहाड़ों की, तो पहाड़ों पे वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह बात कह दी है कि जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। जब उन्होंने ये बात कही है कि जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो पहाड़ के लोग हैं वो अवेयर नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई परेशानियां वहां पर, किसी तरह की जो समस्या है वो यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हेलीकॉप्टर को भी चयनित किया गया कि वहां पर ऑक्सीजन भी पहुंचाई जाए और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया जाए। लगातार हम अब यहाँ पर बात करते हैं 18 साल से आयु वर्ग के नागरिक को जिस तरह से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो रोजाना हो रही है, लेकिन बात करी जाए वहां पर पहाड़ों की तो पहाड़ों को लेकर विशेष तौर पर अभी भी सरकार को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल अशोक, कहीं ना कहीं ये बड़ी चीज़ है कि हमें पहाड़ों पर काम करने की ज़रूरत है, भले ही हम दावे कितने भी कर ले लेकिन ज़मीनी हकीकत हमेशा अलग होती है और वो कहीं ना कहीं लोगों का जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो ये दर्शा रहा है कि लोगों तक जो उनकी सुविधाएं, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो नहीं उनको मिल पा रही हैं। उत्तरकाशी से हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अभी अशोक ये बात बता रहे थे कि वैक्सीनेशन सेंटर तो काफी बनाए जा रहे हैं लेकिन आधे से ज्यादा बंद रहते हैं, तो क्या उत्तरकाशी में भी ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं? पहले तो कितने वैक्सीनेशन सेंटर हैं और कितने उसमें उपलब्ध रहते हैं? जैसे मैं बता दूं कि उत्तरकाशी में जो ऑक्सीजन की सिलेंडर की रही बात जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर जिलाधिकारी से इस संबंध में मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि सिलेंडर की बात हो चाहे वैक्सीनेशन की, उत्तरकाशी जिले में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है विधायक यमुनोत्री हो, विधायक प्रोला हो, सांसद हो, इन्होंने अपनी तरफ से भी जो इनका जो पैसा था वो भी इन्होंने तत्काल में दिया और जिलाधिकारी को भी निर्देश दिए कि इस पैसे को जो है तुरंत जो है कोविड-19 में तत्काल उपयोग किया जाए इस पैसे का। जी जी अनिल, और हमारे साथ अशोक जुड़े हुए। अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की जो काला बाजारी बहुत तेजी से हो रही है, कहीं ना कहीं इसकी इससे भी पहाड़ जूझ रहा है। कई सिलेंडर्स अभी हाल ही में पकड़े गए हैं, कल या परसों में बहुत ज्यादा मात्रा में सिलेंडर्स पकड़े गए, लगातार छापेमारी जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की काला बाजारी हो रही है ये भी काफी चिंता का विषय है पहाड़ पर। बिल्कुल यशी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जो जिस तरह से ऑक्सीजन की काला बाजारी हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है।
यहाँ तक कि इतना ही नहीं, ऑक्सीजन जो इस्तेमाल करने वाले जो खाली सिलेंडर हो जा रहे हैं, ऐसे भी कुछ केसेस सामने आ चुके हैं, वो वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए खुद डीजीपी अशोक कुमार ने ये बात भी कह दी है कि अगर खाली सिलेंडर भी वापस नहीं किए जाते तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगातार जिस तरह से ये जो बातें सामने आ रही हैं कि इसको लेकर काम किया जाए, तो उसको लेकर कालाबाजारी को लेकर नोडल अधिकारी अमित सिन्हा को चयनित किया गया है, और अमित सिन्हा इस पर पूरी तरह से, उनका कहना है कि शिकंजा कसा हुआ है कि किसी भी तरह का कालाबाजारी करता हुआ अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अब कालाबाजारी को लेकर मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उस पर बिल्कुल अशोक कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत जरूर है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना की मार, पहाड़ कितना तैयार, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबां से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की मार, पहाड़ कितना तैयार, और लगातार हमारे जो संवाददाता हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं कि पहाड़ की इस वक्त क्या स्थिति है, संक्रमितों का आंकड़ा आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। हमारे साथ अनिल रावत जुड़े हुए हैं उत्तरकाशी से, और अशोक कुमार देहरादून से जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहूंगी मैं, एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, तीसरी तरफ कुदरत का कहर हमको देखने को मिल रहा है, और चौथी और बहुत गंभीर समस्या जिसने हाल ही में दस्तक दी वो है ब्लैक फंगस, उत्तराखंड में उसके मरीज पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि ब्लैक फंगस के लिए भी अब अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको अभी हम कोरोना वायरस ढंग से नहीं समझा पाए हैं, उन्हें अब हमें ब्लैक फंगस समझाना पड़ेगा। तो ब्लैक फंगस को समझाने के लिए सरकार क्या कर रही है? अशोक, अशोक आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लग रहा है अशोक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जुड़े हुए हमारे साथ। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे हम, उत्तरकाशी में ब्लैक फंगस को लेकर लोग कितना जागरूक है, क्योंकि ब्लैक फंगस ज्यादातर उन लोगों को हो रहा है जो पहले कोरोना से संक्रमित रह चुके हैं और ठीक होकर जल्द ही वापस आए। जैसे मैं बता दूं कि ये जो वेन्यू है, इसके लिए अभी ये लोगों के अंदर भय तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी ये उत्तरकाशी जिले की बात करूं तो अभी ये इस प्रकार के कोई केसेस अभी उत्तरकाशी जिले में नहीं आए। भले लोग जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है बड़ा भयभीत भी है, और लेकिन इस प्रकार के अभी उत्तरकाशी में कोई इस प्रकार का कोई अभी केस नहीं है। अनिल, उत्तरकाशी में केसेस भले ही ना मिले हो, लेकिन पहले से जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में जरूर ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। अशोक, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से उत्तराखंड में ब्लैक फंगस ने अब दस्तक दे दी है, कोरोना वायरस लोग ठीक से नहीं समझ पाए, स्पेशली वो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर लोग कोरोना वायरस को लेकर अभी पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, ऐसे में ब्लैक फंगस उन लोगों को ज्यादातर होता है जो लोग कोरोना संक्रमित से हाल ही में ठीक हुए हों, या फिर एक दो महीने बाद तक उनका जो एक दो महीने पहले जो ठीक होकर वापस आए, तो कहीं ना कहीं एक लंबा ड्यूरेशन है, तो ऐसे लोगों को फिर ब्लैक फंगस के बारे में भी जागरूक करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है? जैसे कि अनिल बता रहे थे कि उत्तरकाशी में ये संक्रमण अभी कहीं नहीं पाया गया है, लेकिन उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, तो कहीं ना कहीं जागरूक करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल यशी, एक ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ब्लैक फंगस की जो है वो प्रदेश में दस्तक हो चुकी है। राजधानी देहरादून में कल तक, अगर यहाँ पर बात की जाए तो राजधानी देहरादून में कल तक इसके 4 केसेस भी हो चुके हैं, जिसमें से एक मरीज की ब्लैक फंगस के चलते मौत हो चुकी है, और ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जो कोरोना से ठीक होने के बाद जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको डायबिटीज है, उनके लिए खासतौर पर ये बीमारी बहुत खतरनाक साबित हो रही है, जिसको लेकर सावधानी बरतने की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि इसको लेकर अभी क्या रणनीति सरकार द्वारा बनाई जाएगी, आगामी रणनीतियां क्या होंगी सरकार की, ये अभी तक कोई तय नहीं हो पाई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने खुद ये बात कही है कि इसको लेकर लगातार अगर कोई जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा तो उसके लिए भी चलाया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी भी भारत सरकार द्वारा भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। मुख्य सचिव ने यह बात कही है, अगर जैसे ही कोई भारत सरकार द्वारा
कोई गाइडलाइन जारी की जाती है तो उसको भी प्रस्तावित किया जाएगा, लेकिन अभी तक ब्लैक फंगस को लेकर सरकार द्वारा कोई भी आगामी रणनीति तैयार नहीं दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पर यह बात जरूर कहेंगे हम कि जल्द से जल्द इसको सरकार को अलर्ट मोड पर रहकर इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तीन से चार केसेस यहाँ सामने आ चुके हैं और एक की मौत भी हो चुकी है। यानी कि इससे ये आकलन किया जा सकता है कि जब चार मरीज आ चुके हैं तो उसमें से एक की मौत भी हो चुकी है, तो ये जो बीमारी है कितनी खतरनाक है उसको लेकर सरकार को अभी से कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ताकि जो है जिस तरह से कोरोना ने अपने पांव पसारे उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जो सामने आई, ब्लैक फंगस जो बीमारी आई है इसको लेकर कोई लापरवाही सामने ना आए, और ताकि जल्द से जल्द जो ब्लैक फंगस की जो बीमारी है, जिस तरह से अभी चार में से एक की मौत हो चुकी है जैसा मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ, ऐसा कुछ केसेस बढ़ने पर दोबारा ऐसा ना हो, प्रदेश में हालात इस तरह के खराब ना हो, तो उसको लेकर सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अशोक ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जितना लेट हम कोरोना वायरस को लेकर हुए वो देरी हमें ब्लैक फंगस के मामले में नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी जो चार मरीज जो आए ब्लैक फंगस के, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, क्या उनको किसी अलग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, उनके लिए किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? देखिए इसके बारे में मैं आपको विशेष तौर पर जानकारी देने चाहूंगा, क्योंकि खुद अभी तक इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने नहीं आई है कि किस तरह से अभी उनका उपचार किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि विशेष तौर पर उनका अलग ध्यान रखा जा रहा है, और जो एक वार्ड है एक अलग से उनके लिए चयनित किए गए हैं, उनको विशेष तौर पर ध्यान अलग से उनके रखा गया है, ताकि किसी भी तरह का ये जो अभी जो बीमारी इस समय जो फैल रही है, खासतौर पर जिन जो मरीज हैं जिन कोरोना पॉजिटिव है और उनको शुगर भी है, उनको भी विशेष तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि इस बीमारी का असर साफ तौर पर शुगर वाले मरीजों पर ज्यादा पड़ रहा है। इसलिए साफ तौर पर डॉक्टर द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि शुगर वाले मरीज अपने आप को विशेष तौर पर बचा कर रखे। वार्ड में जो है इस तरह के अगर जैसे मैक्स अस्पताल में दो मरीज भर्ती थे तो वो इस बीमारी से कहीं ना कहीं ऐसी बात भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसका क्या इलाज रहेगा, क्या सावधानियां इसके लिए बरतनी होगी, क्या कुछ इसका रहेगा, डॉक्टर अभी आगामी रणनीतियां तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से यही अपील करेंगे कि सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ब्लैक फंगस इस जो बीमारी जो आ चुकी है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ सकती है अगर जल्द रहते सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जी बिल्कुल अशोक, अनिल हमारे साथ जुड़े हुए उत्तरकाशी से। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लॉकडाउन चल रहा है, गरीब जनता की अगर हम बात करें, एक तरफ जहां मौसम की बात भी लगातार पड़ रही थी जो फसलों को काफी नुकसान हो रहा था, तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता उन गरीब जनता को देने की बात कही गई, क्या उनको किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता मिल पा रही इस लॉकडाउन के दौरान? जैसे मैं बता दूं कि लगातार जो है उत्तरकाशी में अभी विगत कई दिनों से जो है लगातार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, और उससे जो है किसानों को कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ। लोग जिनका जो आजीविका बिल्कुल खेती पे निर्भर है वो लोग जो है काफी मायूस हो गए। रही बात सरकार की, तो सरकार ने मुख्यमंत्री स्वयं जो है उत्तरकाशी जो बादल फटा था उसमें स्वयं आके जो है उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को निर्देश दिए थे कि आप जो है तुरंत आकलन करके जो है काश्तकारों को जो है तुरंत मुआवजा दें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद करना भी उन लोगों की बहुत ज़रूरी है अनिल, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ रहा है और जो गरीब जनता है जो रोज़ खाती कमाती है उनको कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी पिछले दो साल से उनकी जीविका संकट में है, क्योंकि पिछले साल से कोरोना वायरस आ रहा है और पर्यटन क्षेत्र है, लोग आ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना की मार पहाड़ कितना तैयार, और इससे हमें यही पता चला कि अभी 50-50% जो रेशियो है वो चल रहा है, वैक्सीनेशन का काम भी ठीक तरीके से चल रहा है, हालांकि कहीं लापरवाही जरूर देखी जा रही है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार जनता को आश्वस्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हर संभव मदद लोगों की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।